जैसे स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे कोई टॉपर है, मान लीजिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि अपना नोट्स मुझे शेयर कर दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। क्या ये तरीका सही है? जो अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी? मुझे उस टाइम तक सच में समझ में नहीं आता था कि ज्योग्राफी होता क्या है। मैंने क्योंकि स्कूल लाइफ में मतलब मुझे पसंद नहीं था ये सब्जेक्ट। तो क्या जो मास्टर्स के सिलेबस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे इस प्रिपरेशन में? तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना टाइम चाहिए होता है यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए? पेपर वन तो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट के एग्जाम दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम है, एनटीए यूजीसी नेट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, बट उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मैं बेसिकली आज ऐसे ही एक क्वालिफाइड एस्पिरेंट के साथ हूँ, अदीबा, जिन्होंने इस एग्जाम को विथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो लेट्स वेलकम अदीपा। कॉन्ग्रेचुलेशन अदीपा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू फीलिंग? जब आपका रिजल्ट आया तो क्या एक्सप्रेशंस थे आपके? फर्स्ट तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा था। मुझे पहले जब मैंने देखा कि रिजल्ट आ चुका है तो मैं थोड़ी डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने देखा तो हो गया था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह जेआरएफ एंड नेट दोनों क्वालिफाई हो गया था। घर में सबको बताया, सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। एंड थैंक यू सो मच सर, ये आपके कंटेंट और आपके एफर्ट से हुआ है। मैंने आपसे, मैं 1 ईयर से कनेक्टेड थी एक्चुअली। ओके। लास्ट 2 एग्जाम भी मैंने दिए थे जिसमें मेरा नेट हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, तब तक मेरा नहीं होता है और इस बार मेरा हो गया था सर। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि एक एग्जाम जो कि ऑल इंडिया लेवल पे काफी टफ माना जाता है और लगातार इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एवरी ईयर इंक्रीज होती चली जा रही है। तो मैं और मेरे सभी जो लर्नर्स हैं वो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई, आपका जो कॉलेज है वो कहाँ से हुआ? बेसिकली मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से। और मेरा ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है, मास्टर भी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया है। 2022 में कंप्लीट ओके। तो हुआ। आगे के हायर और एजुकेशन के लिए आपने कोई ऐसा कुछ सोचा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है या फिर कहीं और भी ट्राई करना है? यस, मेरा है कि मैं यहीं से अपनी पीएचडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है एएमयू, बहुत नाम है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एएमयू को ये टैग मिला हुआ है कि इंडिया में सबसे पहले मास्टर्स की जो डिग्री थी, पढ़ाई थी, यहीं से शुरुआत हुई है आजादी के पहले से ही। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा दीपा कि आपने कैसे और किस तरीके से एक एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत की? कब आपको पता चला कि मुझे नेट जेआरएफ ही क्वालिफाई करना है? जब हमारा मास्टर का मतलब स्टार्ट हुआ था तो तभी बच्चों ने मतलब डिस्कस हुआ था कि हाँ मुझे पता चला ऐसे एग्जाम होता है नेट के बाद, आप मास्टर के बाद जो हम लोग का मतलब क्वालिफाई करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए या जेआरएफ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तब मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने मुझे आपकी क्लासेस के बारे में बताया। मुझे तब तक नहीं पता था कि ऐसी भी मतलब क्लासेस फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर। उन्होंने मुझे आपका बताया, उन्होंने बहुत कहा कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे क्लासेस के लिंक शेयर किए थे, तब मैंने आपकी फर्स्ट टाइम क्लास देखी और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ मुझे मेरे समझ में आई, और आपके क्विजेस क्वेश्चन और आप जो फ्री टेस्ट करवा रहे थे, सीरीज आपने चलाई थी सर, वो भी मैंने लास्ट अभी जून के लिए वो भी मैंने सारे दिए थे जो आपने एग्जाम सीरीज चलाई थी। सर मुझे बहुत हेल्प मिली आपके कंटेंट से, सर थैंक यू सो मच। नहीं, मेहनत तो आप आप लोग भी बहुत बहुत मोटिवेटेड हैं। करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आपको भी। बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि अपने कंटेंट से, ऑब्वियसली कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उन पे वर्क भी करता हूँ इसीलिए कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें लर्नर्स को प्रोवाइड की जा सके। क्लासेस तो हैं ही अपनी, बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। फिलहाल ये चीज जानना चाहूंगा मैं कि
जो अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग से सोशल साइंस में नहीं थी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी। फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ ज्योग्राफी से। मुझे उस टाइम तक सच में समझ में नहीं आता था कि ज्योग्राफी होता क्या है। मैंने क्योंकि स्कूल लाइफ में मतलब मुझे पसंद नहीं था ये सब्जेक्ट, पर मेरी ग्रेजुएशन हुआ, मैंने सीखा, समझा हाँ ज्योग्राफी क्या है। फिर मैं मास्टर हुआ, फिर समझ में आया तो मुझे अच्छा लगा। एंड देन फिर आप मिले, आपका मैंने क्लासेस वगैरह करी, सर सब कुछ बहुत क्लियर है, सब बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब सब पसंद आने लगा, इंटरेस्ट पैदा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लेकर के, तो क्या हम इसमें यस रोल मान सकते हैं मास्टर्स का भी, अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि सर, हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो क्या जो मास्टर्स के सिलेबस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे इस प्रिपरेशन में? यस सर, एग्जैक्टली होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको मास्टर में वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपके सिलेबस में मेंशन्स है। कुछ डिटेल्स टॉपिक्स हैं जो मेंशन नहीं है सिलेबस में मास्टर के, लेकिन वो यूजीसी के उसमें है। तो सर ऐसा नहीं है कि मास्टर रोल प्ले नहीं करता है, काफ़ी सारा रोल प्ले उसने किया है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मास्टर में पढ़ाए जाते हैं नेट के लिए, जो नेट में आते हैं। बिल्कुल सर हमारा मास्टर तो लास्ट 3 सेमेस्टर ऑनलाइन ही गया था, सिर्फ लास्ट का 4th सेमेस्टर ऑफलाइन हम लोग ने दिया कोविड की वजह से। लॉकडाउन के कारण। यस सर, ओके, तो पढ़ाई की अगर बात हो रही है यहाँ पर मास्टर्स की ही, तो मतलब आपको क्या लगता है, चूंकि अब आप मास्टर्स भी कर चुके हो, एग्जाम भी आपका क्वालिफाई हो गया है, तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना टाइम चाहिए होता है यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए? ऑन एन एवरेज आई थिंक 2 मंथ बहुत सफिशियंट है। अगर आप बहुत हार्डली, आपको अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे करना है, तो 2 मंथ मुझे लगता है बहुत है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डेली दोनों करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन एक किया एक दिन एक, नहीं, अगर आपको दोनों ऑन एन एवरेज लेकर चलना ही चलना है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सर दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। बिल्कुल इस बार मैंने सर ज्योग्राफी पे बहुत 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 मेहनत करी थी, और आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है, आपकी क्लासेस का, आप बहुत मोटिवेटेड हैं सर, आप बहुत मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ उनका थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल डाउन होता है, आप उनको वापस से वहीं पे लाके खड़ा कर देते हैं सर। थैंक यू सो मच। कोशिश रहती है, कोशिश रहती है। आपको क्या लगता है ज्योग्राफी का कौन सा सेक्शन आपके लिए टफ था और आपने उसको कैसे डील किया? सर मेरे लिए ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो प्रैक्टिकल वाला थोड़ा टफ था, उसके क्योंकि प्रॉपर नोट्स वगैरह नहीं रहते हैं। मैं इतनी खुश थी कि ये तो बहुत अच्छा था, मतलब तो सर सबसे पहले मैंने आपकी वही क्लासेस एक्सेस करी जिनका कंटेंट मेरे पास नहीं था, या मुझे बहुत टफ लगते थे। सर मैंने पूरा रिमोट सेंसिंग आपकी क्लासेस से कवर किया, सर पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जितनी, सर मैं आपकी दिन में सुबह 10 से रात तक, मतलब कम से कम सर 15+ क्लासेस को मैं रोज देखी, देखा था मैंने, इतना मैंने किया था। मैंने कहा 7 डे में एकदम बहुत बिजी हूँ, मुझसे कुछ नहीं किया ना, मैंने ऐसे किया है, और मैं बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहती हूँ। तो सर आपका पे जो आप पढ़ाते हैं सर बहुत अच्छा, उसने बहुत बहुत हेल्प करी, जो मेरी कमी रह रही थी लास्ट 2 उससे कि मेरा नेट हो रहा था, जेआरएफ नहीं हो पा रहा था, वो इस बार मेरा हो गया सर। मेहनत किया आपने, बेशक मेहनत किया, रिसोर्सेज का हेल्प तो होता ही है, स्टूडेंट की अपनी भी हार्ड वर्किंग होती है, एक डेडिकेशन होता है, आपने दिखाया और आज रिजल्ट सबके सामने है। पेपर 1 की बात कर लेते हैं, पेपर 1 में आपको क्या लगता है पेपर 1 कितना टफ है और किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है? सर पेपर 1 तो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि सर 10 यूनिट 10 एकदम डिफरेंट है। तो पेपर 1 मैंने पहले स्टार्ट किया पढ़ना तो मुझे बहुत लगा, लेकिन ये था कि पेपर 2 अपना आप कमांड रखेंगे तो पेपर 1 आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो दे ही देगा। सर इस बार मुझे लगता है पेपर 2 काफी टफ आया था। पेपर 2 टफ था इस बार।
सॉरी सॉरी सर, पेपर वन जो वन था टफ था। वो हाँ टफ था। यस सर, क्योंकि उसमें मैंने अपना स्कोर देखा तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई पिछली बार के कंपैरिजन में। इस बार पेपर वन का जो था क्वेश्चन वो काफी टफ थे, तो पेपर टू तो मुझे बहुत इजी लगा। एक बार मैं सोच रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, ये सच में इजी है, एक बार मुझे ऐसा लगा, लेकिन पिछली सर बहुत अच्छा बार रिजल्ट का जो था। पेपर हुआ था मार्च का, मार्च के पेपर के लेवल से थोड़ा सा डाउन जरूर था, बट उससे कम कहीं से भी नहीं था। जब यस सब सर, लोग एग्जाम देकर आए तो ये कह रहे थे कि पेपर सिंपल आया था, बट जब रिजल्ट आया तो इस बार भी जो जनरली कट ऑफ गई वो 69% गई है, लास्ट टाइम के ही यस बराबर गई है लगभग लगभग। जी तो हम ये मान सकते हैं कि लेवल कमोबेश वही था, मोर और लेस उसी को हम कह सकते हैं। पेपर यस वन का जो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, स्पेशली जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं पीएचडी के लिए, तो उसमें एक सेक्शन है अपना यूनिट टू रिसर्च एप्टीट्यूड, यस सर, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड एक बेस होता है आगे की एकेडमिक्स के लिए। हमें आनी ही चाहिए फंडामेंटल, न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप जाते हो पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो उसकी समझ होनी चाहिए। तो आपने भी इसकी पढ़ाई की अपने लेवल पे? यस सर, मैंने की थी। जितना मुझसे हुआ मैंने यूट्यूब पर ही क्लासेस को एक्सेस किया था, बहुत समझने की कोशिश की, काफी हद तक समझ समझ में आया भी है सर। कोई बुक्स वगैरह भी रेफर किया आपने किसी तरीके का? सर बुक्स मैंने जो मेरे सीनियर थे जिसने पहले क्वालिफाई किया है एग्जाम, उनसे मैंने पूछा था सर, उन्होंने मुझे केवीएस मदान की बुक वो रिकमेंड की थी। बट उसमें बहुत टॉपिक, मतलब जितना डिटेल में पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चंस, इतना उसमें नहीं है सर। मैंने फिर यूट्यूब से पढ़ा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगते थे उनको मैंने हैंड रिटन किया और बुक पे पेस्ट किया उसी चैप्टर में, तो उससे मुझे काफी हेल्प। नोट्स बनाया बेसिकली आपने, खुद का नोट्स। यस सर, तो नोट्स को आप इम्पोर्टेंट मानती हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए? यस सर, आप अगर अच्छे से एक बार उस टॉपिक को पढ़ते हैं और हैंड रिटन आप नोट्स बनाते हैं, तो आपको चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है कि हाँ मैंने ऐसे कहीं लिखा था, ऐसा रहता है, ऐसा टच कर जाती है फिर वो चीज आपके माइंड में। बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे कोई टॉपर है, मान लीजिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि अपना नोट्स मुझे शेयर कर दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। क्या ये तरीका सही है? नो सर, मुझे लगता है नहीं, जब तक आप खुद से अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे आपको चीजें उस लेवल तक समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप अगर मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो शायद आपको चीजें उस हद तक समझ में नहीं आए, क्योंकि वो मैंने खुद से बनाया। तब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आपको चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। नहीं, डेफिनेटली। यस सर, और क्वेश्चंस को कैसे आप देखती हैं, जिस तरीके के पेपर अब आ रहे हैं उनका जो लेवल है? आप यस सर, सर ये है कि आपको बहुत अच्छा, बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है जितना हो सके आपको, मतलब अगर ऐसा नहीं पॉइंट जैसे, कुछ नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी क्या हो गया है, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब इतने समय से आप देख रही हैं इस एग्जाम को, मुझे लगता यस है सर 2 साल तो हो ही गया होगा पहली बार जब एग्जाम दिया सर होगा। सर मैंने 2002 जो अक्टूबर में हुआ था, फिर मार्च में, एंड देन ये मेरा थर्ड, मतलब थर्ड सर मैंने अटेम्प्ट, 1 साल के, यस सर 1 ईयर के इसमें 3 बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ओके, कोविड की वजह से साइकिल डिस्टर्ब थी बहुत ज्यादा। इस ईयर जी, 3 बार ये एग्जाम हुआ है, तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 1 ईयर में। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि मतलब जिस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ है, एक स्टूडेंट को क्या यस करना सर, चाहिए आइडियली, अगर उसको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस तरीके के प्रश्नों को, क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है? सर मेरा ये था, मैंने आपके जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करवाते हैं, पेपर सॉल्व करवाते हैं, वो किए, फिर उससे मुझे ये आइडिया लगा कि मुझे किस पोर्शन में मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि मैं देखती थी कि मुझसे इस पोर्शन का, इस पार्टिकुलर टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं हो रहा है, तो उस पोर्शन पे आपको मेहनत करने की जरूरत, और आपको हिंट मिलती कि हाँ मुझे क्या कवर करना है जो मेरा रह गया है। सर मैंने तो यही स्ट्रेटेजी की, मैंने आपकी जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कराते थे वो देखे, मैंने देखा कि मेरे कौन सा पोर्शन वीक है जिस पे मुझे मेहनत करनी है, बस मैंने वही किया, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। सर मैंने आपकी कोई क्लास मिस नहीं की, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे वो अनअकैडमी पर हो, सारी क्लास ऑलमोस्ट मैंने की थी सर आपकी, मुझे उससे काफी बहुत सारे हेल्प। क्लासेस हैं यूट्यूब पे भी अपने, अगर कोई स्टूडेंट सच में पहले
वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखे तो क्वेश्चन एग्जाम तो मुझे लगता है कि हो ही जाएगा आराम से, बट इतने सारे यस वीडियोस बहुत हैं, कंटेंट है। इतने सारे यस वीडियोस हैं, सारे कंटेंट वाले ही हैं। अच्छा, यस आपका जो सपना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, ऑब्वियसली अभी तक इस एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब यही है। तो ये सपना जो है, इस सपने को कब देखना शुरू करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या ये अचानक से देख करके इसको पूरा किया जा सकता है, या इसका एक कोई टाइम है कि आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, तब आपको शुरू कर देना चाहिए? ग्रेजुएशन तक तो नहीं, लेकिन जब आप मास्टर में आते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि अब मेरे लास्ट 2 ईयर से इसके बाद मुझे इस फील्ड में अपने आप को एकदम मतलब 100% अपना देना है। तो आई थिंक मास्टर ही बेस्ट है, क्योंकि आपको जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है वही आपको एलेबोरेट करके मास्टर में पढ़ाया जाता है। तो वही है कि आप वहाँ आप अगर अच्छे से मेहनत कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है आगे के लिए कि अगर आपको इस फील्ड में आना है। तो मास्टर के बाद तो मुझे लगता है यही बेस्ट ऑप्शन होता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, बनने के लिए अच्छे से बिल्कुल पढ़ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरिवा, इतनी सारी बातें बताने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को आने वाले दिसंबर में या आगे देना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो उनको मोटिवेट करें, जो उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। यस सर बिल्कुल सर, यही है कि अगर कोई इंसान इसको एग्जाम को क्रैक कर रहा है तो हम अपने आप को उससे कम ना समझें, डिमोटिवेटेड कभी ना हो। अपने आप को अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कुछ कोई स्पेशल उस कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ है जो आपके पास है, जो उसके पास है वो आपके पास है। अगर आप अपना 100% देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं सर, तो आप जरूर करें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी उसमें बातें हमेशा कही आपने। मोटिवेट। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच अदीबा, और आपको हमारे पूरे टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, अपना सपना पूरा करें और अपना नाम और घर वालों का नाम जरूर रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, इसमें आपको भी बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी अदीबा आज के हमारे टॉपर्स टॉक में, जिन्होंने इस साल जून 2023 का एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्लियर किया। आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।